बेरोजगार विद्यार्थी शिक्षकों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। 6500 वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक को संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मिलित कर नियमित रोजगार दे या इच्छा मृत्यु दे, समय रहते मुख्यमंत्री द्वारा हमारे रोजगार के लिए अनुशंसा की जाए। आचार संहिता लगने से चंद दिन बचे हुए, इसलिए 5 दिवस के अंदर हमारे रोजगार की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अन्यथा हम प्रत्येक जिले से 5 की संख्या में लगभग राजस्थान से 100 लोग अनशन आत्मदाह वाहन माध्यम से अपने जीवन का बलिदान देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। संगठन के 100 लोकेश मृत्यु की मांग करते हैं। यदि हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया तो हम सभी एक शाम दोस्तों की स्वीकृति मांगेंगे। हम सभी दिनांक 13 सितंबर 2030 से जनसंख्या माध्यम से सरकार को अपने जीवन का बलिदान देंगे। हमारे संगठन की लगभग 100 महिलाएं उग्र रूप धारण किए हुए हैं। राजस्थान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब महिलाएं अर्धनग्न प्रदर्शन करने जा रही हैं। सितंबर माह राजस्थान के इतिहास में नर नारी की बलि के रूप में जाना जाएगा। जी आज बताएं, आप जो शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है? मैं चरणजीत बालोठिया, वंचित विद्यार्थी मित्र, प्रदेश प्रवक्ता। 2017 में पंचायत सहायक की भर्ती हुई, जिसमें भाई भतीजावाद के कारण हमारा ज़्यादा अनुभव होते हुए भी हमको इस भर्ती से दरकिनार कर दिया। सरकार हमें बार बार आश्वासन दे रही है, CM साहब ने भी अधिकारियों को कहा है, मौखिक कहा है कि इनका काम किया जाए, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमारी कम से कम भी 8 से 10 बार टेबल वार्ता हो चुकी है सचिवालय में अधिकारियों के साथ, लेकिन फिर भी कोई अभी सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ है। आखिर में आकर के हमने निर्णय लिया है कि सरकार हमें या तो इच्छा मृत्यु दे या रोजगार की प्राप्ति करवाए। अगर हमें रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो हम सब खान के आए हैं, कफन बांध के आए हैं, हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमें इच्छा मृत्यु चाहिए या निश्चित रूप से हमें रोजगार देना चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई हम मतलब संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सरकारी अनुभव है, बहुत 8-10 साल का सरकारी अनुभव है, जो कि एक बहुत 100% परिणाम के साथ हमने कार्य किया है। और सरकार ने हमें प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं, और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि वंचित विद्यार्थी मित्रों का काम हम सरकार बनते ही करेंगे। अब सरकार जाने में है, 5 साल हो गए, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, चक्कर कटवा रहे हैं। हम विनती कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम इनसे वंदन कर रहे हैं कि हमारा काम या तो कर दिया जाए, नहीं तो 200 विधानसभा में ये पूरे के पूरे वंचित विद्यार्थी मित्र और इनका परिवार, इनके बच्चे धरातल पे आकर के इनका विरोध करेंगे, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको हार का सामना देखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चरणजीत भालोठिया, वंचित विद्यार्थी मित्र, प्रदेश प्रवक्ता। क्या कुछ मांगे हैं आपके? 2007 से विद्यार्थी मित्र सरकारी विद्यालय में कार्यरत था, अल्प वेतन के ऊपर मात्र 2700 रुपये के ऊपर अच्छा रिजल्ट दिया। 2014 में 30 अप्रैल 2014 को असंवैधानिक करार देते तत्कालीन राज्य सरकार ने विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया। 4 वर्षों तक सड़कों के ऊपर आंदोलन किया विद्यार्थी मित्रों ने। तब 2017 में एक छदम भर्ती निकाली गई, और उस छदम भर्ती में भाई भतीजावाद का नारा लगा करके, और प्राचार्य ने और सरपंचों ने, तत्कालीन सरकार के जनप्रतिनिधियों ने अपने चहेतों को उसमें शामिल कर लिया, और जो योग्य विद्यार्थी मित्र उसमें लगने वाले थे, जिनकी परसेंटेज ज़्यादा थी, उनको उस समय वंचित कर दिया गया। आज 4 वर्ष लगातार हमें संघर्ष करते हुए हो गए, बेरोजगारी का दंश झेलते हुए हो गए, लेकिन इन सरकारों के जू नहीं रह रही है। और आज ये अनशन इस प्रकार से बदलेगा कि आज विद्यार्थी मित्र सड़कों के ऊपर निकलेगा, क्योंकि आज ये अंतिम लड़ाई है। हम अपने हक को लेने के लिए जी तोड़ और पूरा संघर्ष करेंगे। आज मरना और मारना हमारी पूरी तरीके से तैयार है। हम वंचित विद्यार्थी मित्र मुरारी स्वामी सीकर।